फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रिटेनिंग वॉल की BVS को प्रिपेयर कैसे किया जाता है फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स, लेट्स एग्जामिन टुडे। BVS टेल्स यू फर्स्ट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC मेंबर, सेकंड कॉस्ट ऑफ स्टील। फ्रेंड्स, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग सम वैल्यूएबल कंटेंट देन आई रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो प्लीज शेयर विद देम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल की बार बेंडिंग शेड्यूल को किस तरह से आसान तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसके लिए आई विल से कि आप प्रीवियस के 3 वीडियोज़ को जरूर देखें, जिसमें फाउंडेशन रिटेनिंग वॉल की आउटर फेस और इनर फेस पे सरिये को किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, उसकी कट लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज़ वॉच दैट। इट विल गिव यू अ कंसेप्चुअल बूस्ट और आपको चीज़ें आसान तरीके से समझ में आएगी और BVS को प्रिपेयर करना विल बिकम वेरी ईजी एस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल के डिफरेंट कंपोनेंट में स्टील के करस्पॉन्डिंग कट लेंथ को देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कितनी आ रही है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली लास्ट में ये भी देखेंगे कि किस तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील आती है निकल के और वो किस तरह से एक प्रोजेक्ट में हेल्पफुल टूल की तरह साबित होता है। सो फ्रेंड्स, बार बेंडिंग शेड्यूल मीन्स BVS को प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें किस किस स्टील को अकाउंट करना है। सबसे पहले मैंने लिखा स्टील रिइंफोर्समेंट इन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में क्या होगा, मेन रिइंफोर्समेंट जो होगी टॉप एंड बॉटम में उसको आप अकाउंट करेंगे। सेकंड, फाउंडेशन में ही आप अकाउंट करेंगे चेयर्स को, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि टॉप एंड बॉटम जाल को जब आप बांधेंगे तो अपनी पोजीशन पे वो रह सके, उसके लिए चेयर्स का प्रोविजन करना ज़रूरी है। थर्ड, स्टील रिइंफोर्समेंट ऑन आउटर फेस, तो आउटर फेस पे आप देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे 3 तरह की स्टील होगी, एक फुल लेंथ स्टील, एक शॉर्टर स्टील और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। फोर्थ, स्टील रिइंफोर्समेंट ऑन इनर फेस, अगेन सेम, एक फुल लेंथ होगी, एक शॉर्टर लेंथ होगी और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे मैंने सेपरेटली मेंशन कर दिया है रिइंफोर्समेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ कहाँ पे होगा फ्रेंड, एक तो होगा फाउंडेशन में, एक होगा आपके आउटर फेस पे और एक कहाँ पे होगा आपके इनर फेस पे, राइट? तो ये तीनों जगह पे होंगे फ्रेंड। साथ ही साथ एक बात को समझिए कि रिटेनिंग वॉल की टोटल लेंथ कितनी है, 675 मीटर। यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हम स्टील को यूज़ करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर। फ्रेंड्स, जैसे ही रिटेनिंग वॉल में 12 मीटर की लेंथ को हम क्रॉस करेंगे, वी हैव टू प्रोवाइड लैप लेंथ ऑल्सो, राइट? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चेयर की बात करते हैं जिसको फाउंडेशन में प्रोवाइड करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन क्या कहती है फ्रेंड कि मिनिमम डायमीटर क्या आप यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग चेयर्स, 12 मिलीमीटर, राइट? और दो चेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, कम तो आप कितना भी रख सकते हो, तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी, 1 मीटर। तो इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझिए कि टोटल लेंथ रिटेनिंग वॉल की कितनी है, 675 मीटर। तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग यदि नंबर ऑफ चेयर्स की बात करें तो दो चेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, 1 मीटर। तो टोटल चेयर्स की बात कर लें तो कितना अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, 675 नंबर्स। अब इस चेयर की डायमेंशंस को ऑब्जर्व कीजिए, जो लेग है उसको मैंने 200 मार्क किया हुआ है, हाइट यहाँ पे 325 mm लिखा हुआ है। तो ये कैसे आया है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल की जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ कितनी है, 450 mm, उसमें क्लियर कवर कितना माइनस करेंगे, 100 mm, 50-50 दोनों साइड से, माइनस टॉप और बॉटम में जो मेन रिइंफोर्समेंट है 10 mm और 12 mm, इसको आप कंसिडर कर लीजिए 25 mm। तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आती है 325 mm। तो इसी हाइट को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, 325 mm, राइट? तो इस चेयर के लिए कट लेंथ कितनी होगी स्टील की, इसको देखिए फ्रेंड, मैंने लिखा 2 times 200, ये दोनों लेग की बात कर रहे हैं, उसके बाद लिखा है 600 mm, तो ये बैक की बात है, दिस इज़ 600 mm, राइट? प्लस 2 times 325, ये हाइट की वैल्यू हो जाएगी, माइनस बेंड डिडक्शन। अब आप देखेंगे कितनी बेंड बन रही है, 1, 2, 3, 4, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का बेंड। तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना करते हैं, 2D, डायमीटर कितनी है, 12 mm, तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी कट लेंथ 1554 mm, लेट्स प्रोवाइड 1555 mm का कट लेंथ। फ्रेंड्स, जो फाउंडेशन में स्टील डिटेल्स को हमने देखा उसको एक बार क्विकली समराइज करते हैं। मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, बॉटम पे, ये कितना है, 12 डाय की स्टील है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसकी कट लेंथ आती है 1505 mm और इसके नंबर्स कितने हैं, 6। मेन रिइंफोर्समेंट टॉप की बात करें तो 10 डाय की स्टील है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और इसकी कट लेंथ आती है 1510 mm और इसके नंबर्स कितने हैं, 6। डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें फ्रेंड बॉटम में तो 10 डाय की स्टील है, 290 mm की स्पेसिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप की बात करें तो सेम डिटेल को फॉलो करना है, चूँकि रनिंग लेंथ में हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से स्टील पूरी लेंथ में रन करेगी। तो यहाँ पे 1 मीटर मैंने लेंथ लिया है दोनों को
और नंबर्स की बात करें तो हमने देखा कि ये कैलकुलेट होकर 6 नंबर्स आती है। अब लैप लेंथ की बात करें, क्यों 675 मीटर की आपकी टोटल रनिंग मीटर लेंथ है रिटेनिंग वॉल की, तो कितने नंबर ऑफ लैप्स को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे 675 डिवाइडेड बाय 12 मीटर जो कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग लेंथ है, तो ये वैल्यू आती है 56 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कंसिडर हम करेंगे 57 नंबर्स, राइट। के हिसाब से लैप लेंथ कितनी दी हुई है 50 × 5, अब 5 की वैल्यू 10 है, तो क्या करेंगे 50 × 10, दिस कम्स आउट टू बी 500 mm, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 मीटर। एंड टोटल नंबर ऑफ लैप्स की बात करें बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 57 तो टोटल लैप हो जाएंगे एक सरिया में, और टोटल कितना है 6 बॉटम पे 6 टॉप पे, तो टोटल इतने लैप्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा फाउंडेशन में। अब रिटेनिंग वॉल की आउटर इन्फोर्समेंट को कंसिडर करते हैं फ्रेंड, तो इसमें मेन बार को कंसिडर करेंगे जो कि फुल लेंथ होगा, मेन बार, शॉर्टर लेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। फ्रेंड्स आउटर फेस पे स्टील रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड की गई है उसकी डिटेल्स को समराइज कर लेते हैं। लॉन्गर लेंथ जो फुल लेंथ सरिया है उसकी डिटेल्स क्या है, 10 डाई के स्टील है 250 mm, और स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, उसकी कट लेंथ निकल के आती है 5625 mm, नंबर्स कितने हैं 5। शॉर्टर लेंथ की बात करें तो ये 12 डाई के स्टील है, अगेन 250 mm की स्पेसिंग पे है, तो इन दोनों स्टील के बीच में इफेक्टिव स्पेसिंग कितनी हो जाएगी फ्रेंड 125 mm सेंटर टू सेंटर, और इसकी कट लेंथ निकल के आती है 2435 mm, नंबर्स कितने हैं 5। डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो 10 डाई के स्टील है, 275 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, 1 रनिंग मीटर के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को देख रहे हैं, तो ये पकड़ेंगे टोटल स्टील कितनी है 17। और लैप लेंथ की बात करें फ्रेंड तो अगेन सेम, यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी है 50 × 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है आधा मीटर। और उसके बाद नंबर ऑफ लैप्स कितने होंगे, तो एक सरिये में कितनी लैप करनी होगी 675 मीटर रिटेनिंग वॉल की बात करें तो 57, एंड टोटल 17 सरिये हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 969 नंबर ऑफ लैप्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द आउटर फेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। लास्ट इनर फेस के लिए बात करते हैं फ्रेंड, तो अगेन मेन रिइंफोर्समेंट फुल लेंथ, मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर लेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। सबसे पहले शॉर्टर लेंथ की बात करें तो 10 डाया के स्टील है, 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, कट लेंथ 4985 mm, और ये वैल्यू कितनी है नंबर्स 5। सेकेंड शॉर्टर लेंथ की बात करें तो 10 डाया के स्टील 300 mm की स्पेसिंग पे, कट लेंथ कितनी है 4305 mm, नंबर्स कितने हैं 5। डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो 10 डाया के स्टील 275 mm स्पेसिंग पे, नंबर्स की बात करें फ्रेंड तो कितना हो जाएगा 17 नंबर, और साथ में साथ लैप लेंथ प्रोवाइड की जाएगी। नाउ फ्रेंड्स अब मूव करते हैं BBS की शीट पे। सो फ्रेंड्स जितने भी स्टील रिइंफोर्समेंट की कट लेंथ को हमने कैलकुलेट किया, नंबर्स को कैलकुलेट किया, उसको BBS की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टैबुलेट की जाती है, और हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील जो RCC मेंबर में कंज्यूम हुआ है वो निकल के आ जाता है। फ्रेंड्स BBS के साथ साथ स्टील की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को भी हम एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स BBS की कॉपी और जो ड्राइंग है दोनों को मैं वीडियो में शेयर करूंगा आपसे, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन के लिए देखते हैं, लिखा है मेन रिइंफोर्समेंट बॉटम, तो स्टील रिइंफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड की गई है। डायमीटर ऑफ स्टील की बात करें तो 12 डाई के स्टील है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल्स को मैंने लिखा है 675। आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने जो भी स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू 1 रनिंग मीटर लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो यहाँ पे 675 इस तरह से पैनल्स बन जाएंगे। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ पैनल्स 1, देन यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स की बात करें 6 बार्स थी, ये कट लेंथ कैलकुलेट करके आई थी, फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है शीट में एक्सेल शीट में, तो आप देखेंगे कि 12 डाया के करस्पॉन्डिंग ये देखिए वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाती है। अब उसी तरह से देखिए टॉप रिइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट किस तरह से होगी, इस तरह से 10 डाया की स्टील है, अगेन पैनल 675, कट लेंथ एंड नंबर्स को यहाँ मेंशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग स्टील की टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी 675 मीटर लेंथ के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें फ्रेंड तो 10 डाया की स्टील है, यहाँ पे 6 सरिया को प्रोवाइड किया गया है राइट, और यहाँ पे टोटल लेंथ को ही मैंने 675 मीटर पकड़ लिया है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग लेंथ कितनी है 12 मीटर, तो अपने को लैप लेंथ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लैप लेंथ की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे 10 डाई के स्टील यूज़ करेंगे, 57 नंबर ऑफ लैप्स होंगे, कैसे निकाला था मैंने 675 मीटर लेंथ डिवाइडेड बाय 12 मीटर, तो ये वैल्यू आ जाती है 57, और ये वैल्यू को देखेंगे तो 50 × डायमीटर, तो इसकी कट लेंथ है, और ये वैल्यू निकल के आ जाती है राइट। सेम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें टॉप में तो इसी तरह से वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया ये वैल्यूज़ निकल के आ जाती है। सेकेंड बात कर रहे फ्रेंड इनर फेस की, तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले लॉन्गर लेंथ की, तो इस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई थी, तो इसकी देखिए डायमीटर कितनी है 10 डाया, 675 पैनल हो जाएंगे, 5 सरिया थे, और ये इसकी कट लेंथ है, 10 डाया के करस्पॉन्डिंग टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी 675 मीटर लेंथ में राइट। सेकेंड मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर लेंथ की बात करें तो शॉर्टर लेंथ किस तरह से प्रोवाइड की गई थी फ्रेंड, इस तरह से, और ये डायमीटर नंबर ऑफ पैनल्स
नंबर्स, कट लेंथ, ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें फ्रेंड, 10 डाई की स्टील थी, 17 नंबर्स थे और ये 675 मीटर लेंथ है, तो टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी 10 मीटर के करस्पॉन्डिंग। साथ ही साथ इसमें लैप लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितनी है 15 × 5, तो ये देखिए कट लेंथ मैंने लिखी है यहाँ पे 0.5 मीटर। और साथ साथ नंबर्स की बात करें तो 675 मीटर डिवाइडेड बाय 12 कीजिए तो इतने नंबर ऑफ स्लैप आएंगे, ये वैल्यू आती है 57। तो ये सारे वैल्यूज हैं कैलकुलेट होकर 10 डाया के स्टील के करस्पॉन्डिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आउटर फेस की। तो यहाँ पे मेन बार की बात कर रहे हैं लॉन्गर लेंथ के लिए, तो स्टील रिइंफोर्समेंट कैसा था, ये शेप में है, 10 डाया की स्टील यूज़ करनी है, 675 नंबर ऑफ पैनल्स हो जाएंगे। नंबर्स कितने थे 1 मीटर लेंथ में 5, और इसकी कट लेंथ ये वैल्यू थी, तो ये 10 डाया के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद सेकंड में देखिए मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर लेंथ की बात करें, 12 डाया की स्टील हमने यूज़ की थी, इस तरह से शॉर्टर लेंथ थी, तो ये कट लेंथ को यहाँ वैल्यू मेंशन करेंगे, 1 रनिंग मीटर में 5 नंबर ऑफ सरिया थे, 675 पैनल हो गए, 12 डाया के स्टील हो गई, तो 12 डाया के करस्पॉन्डिंग ये टोटल लेंथ ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें, 10 डाया के स्टील प्रोवाइड की गई थी, 17 नंबर्स थे, 675 मीटर लेंथ हो जाएगी टोटल पकड़ ली मैंने। नेक्स्ट लैप लेंथ की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, तो ये कितनी वैल्यू है 15 × 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर, राइट, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। नंबर्स की बात किया मैंने यहाँ पे कितनी 675 डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लास्टली चेयर्स, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया, 12 डाई की स्टील यूज़ करनी है, 2 चेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी लेनी है 1 मीटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, तो टोटल लेंथ रिटेनिंग वॉल कितनी है 675 मीटर, तो 675 नंबर्स हो जाएंगे। कट लेंथ कितनी है 1515 mm, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, BVS की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे ही इन सारे वैल्यूज़ को आप प्लेस करते हैं तो हर स्टील के करस्पॉन्डिंग टोटल लेंथ निकल के आ जाती है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ है यूनिट वेट, तो 10 डाया की स्टील के लिए यूनिट वेट कितना होता है 0.617 kg पर मीटर, उसी तरह से 12 डाया की के लिए बात करें तो 0.888 kg पर मीटर होता है, तो ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वैल्यू कितने आ जाएगा केजी में आ गया, इसको फिर आप डिवाइड कीजिए 1000 से तो ये मीट्रिक टन में वैल्यू आ जाती है। फाइनली ये वैल्यू सम होकर कितनी आ रही है 68.44 मीट्रिक टन, मतलब टोटल आप देखिए 675 रनिंग मीटर लेंथ आप कंस्ट्रक्ट करेंगे रिटेनिंग वॉल को तो एग्जैक्ट क्वांटिटी स्टील कितनी खर्च होगी 68.44 मीट्रिक टन। यदि आप मार्केट रेट स्टील की एज्यूम कीजिए 60,000 पर मीट्रिक टन, तो टोटल स्टील को प्रोक्योर करने में कितनी कॉस्ट आएगी फ्रेंड 60 मल्टीप्लाइड बाय ये क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट की, ये करीब 41 लाख रुपए के करीब आता है। तो रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है, स्टील की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉस्ट निकल के आती है दिस हेल्प्स इन प्लानिंग द कैश फ्लो ऑन द प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, कैश फ्लो इज़ अ लाइफ लाइन फॉर अ प्रोजेक्ट। तो जब आप रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें PCC के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट होगी, कॉन्क्रीट वर्क के लिए कॉस्ट होगी, शटरिंग के लिए कॉस्ट होगी, प्लस लेबर जो काम करेंगे बार बेंडर प्लस शटरिंग लगाने की टीम कारपेंटर, उनकी लेबर वेजेस अलग होगी, तो दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिलिंग। यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जैक्ट क्वांटिटी फॉर स्टील को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो किस तरह से प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कंक्लूड करते हैं फ्रेंड, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।